Hey guys, namaste and welcome back to Glimpse of Happiness. तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक यू जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज़ कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी रहती है ये। तो आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल काठी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी रेसिपी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा एंड कमेंट्स में अपने फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। और चलिए फिर फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेस्टोरेंट में और पार्टीज़ में अक्सर हम काठी कबाब खाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आज इसे हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, बट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगे ये। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 500 ग्राम सोया चाप ली है। आप चाहें तो, अगर आप सोया चाप पसंद नहीं करते हैं तो आप सोयाबीन की बड़ी भी ले सकते हैं, उसको बॉयल करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोया चाप को अच्छे से वॉश कर लिया है और इस के जो स्टिक्स होते हैं उन्हें रिमूव कर लिया है। अब एक सोया चाप के आपको 3 से 4 पीसेस करने हैं और इसके साथ ही मैंने कुछ प्रिपरेशन की है, कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं जैसे कि 2 शिमला मिर्च, इनको हमने डाइस कट कर लिया है, और 2 मीडियम साइज के प्याज, इनको भी हमने डाइस शेप में कट कर लिया है। उसके साथ ही हमने 5 से 6 गोभी के फ्लोरेट्स लेंगे और 1 कटोरी बॉईल किए हुए मटर। अब ये स्क्यूअर्स लेने हैं हमें जो पनीर टिक्का के लिए हम यूज़ करते हैं, और इन स्क्यूअर्स में हम ये वेजिटेबल्स लगाएंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में कैप्सिकम, देन ऑनियन, उसके बाद सोया चाप का एक पीस, फिर गोभी का एक छोटा सा फूल, और वापस इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे इस स्क्यूअर्स के फिल होने तक। इसी तरीके से सारी स्क्यूअर्स हम तैयार कर लेंगे। तो ये रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है, एक बार ट्राई करना ज़रूर, बनता है इसको, बहुत ही यमी रेसिपी है ये। सो ये देखिए ऑलमोस्ट हमने बना लिया है सारा। और इसके बाद मैं एक पैन ले रही हूँ और उसमें 1 फुल स्पून घी ऐड करूँगी, और घी के मेल्ट होने के बाद आप इसमें ये सारे स्क्यूअर्स डाल दीजिए और मीडियम लो गैस पर इसको 5 से 10 मिनट्स में अलट पलट के सेक लें। आप चाहें तो लिड से कवर भी कर सकते हैं। और जब आप इसमें ये स्क्यूअर्स ऐड करेंगे उसके बाद कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं जिससे आपके जो सोया चाप है और गोभी है ये बिल्कुल तवा मसाला टिक्का टाइप बन जाएगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये जो स्टिक्स हैं ये डालने के बाद 1 पिंच के अराउंड चाट मसाला, हल्का सा नमक, क्योंकि हम ग्रेवी में भी नमक ऐड करेंगे तो नमक देख के डालिएगा, नमक एंड रेड चिली पाउडर ये भी इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये तीनों चीज़ें स्प्रिंकल करने से इन स्टिक्स में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ये क्रिस्पी हो जाएंगे और कलर बहुत अच्छा आएगा। ये 5-10 मिनट्स में ऑलमोस्ट रोस्ट हो जाती है। ये देखिए मैं सारे स्पाइसेस उसमें ऐड कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको करना है। और बिल्कुल लाइट ही मसाला डाला है मैंने इसमें, चाट मसाला, लाल मिर्च एंड नमक। तो उसके बाद ये सिम गैस पे इसको हमने रख देना है लिड कवर करके, और बीच बीच में इसको आपको अलट पलट के चेक करना है ताकि गोल्डन ब्राउन इस पर एक लेयरिंग आ जाए और मसाला अच्छे से कोट हो जाए हमारी इन स्टिक्स पे। तो ये देखिए हमारी जो सोया चाप है और जो सब्जियां हैं ये अच्छे से रोस्ट हो गई हैं और मसाला इस पर बहुत अच्छे से कलर आ गया है, कोट हो गया है। तो इसके बाद सेकेंड लॉट भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और कुछ सब्जियां जो बच जाती हैं वो भी आप इसमें सेक लें ताकि वो भी अच्छे से कुक हो जाएं। इसको हमें ये ऑलमोस्ट इस प्रोसेस में 60-70% कुक हो जाती हैं वेजिटेबल्स। और ये भी यही देखना है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पक गई हैं हमारी सब्जियां तो लिड हटा के भी आप इसको सेक सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको नोट करना है। देखिए बाकी बची हुई थोड़ी सी जो सब्जियां थी वो भी मैंने इसी में ऐड कर ली है, तो ये भी इसी के साथ रोस्ट हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट इसमें हमें इसका ग्रेवी बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 सर्विंग स्पून के अराउंड वेजिटेबल ऑयल लिया है,
ये हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें आधा टीस्पून हमने जीरा ऐड करना है। जीरे के क्रैकल होने के बाद दो मीडियम साइज़ के हमने बारीक चॉप अनियन लिए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे, और 6 से 7 कलियाँ लहसुन की। इसको अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, और जब तक ये भून रहा है हमारा, तब तक हम इस टमाटर की प्योरी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, उसके साथ 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ली हैं और 2 हरी मिर्च। इसको मिक्सी में ग्राइंड करके प्यूरी बना लेना है। और लहसुन हम इसमें 2 टाइम यूज़ कर रहे हैं, एक हम प्यूरी में यूज़ करेंगे और एक हमने ऑनियन के साथ बारीक चॉप करके डाला है, क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब ये जो हमने टोमेटो की प्यूरी डाली है ये इसमें डाल देंगे, और 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, ये देगी मिर्च है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, और 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड की है। उसके साथ मैं ले रही हूँ सोया चाप मसाला, ये तंदूरी सोया चाप मसाला है, जहाँ पर आपको पनीर और सोयाबीन मिलता है डेयरी में, वहाँ पर ये इजीली मिल जाएगा। मैं यहाँ पर SDS का मसाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आप नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप इसकी जगह पर तंदूरी पनीर मसाला या पनीर टिक्का मसाला यूज़ कर सकते हैं, या फिर चिकन मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो तंदूरी सोया चाप मसाला है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, अगर आपको मिल जाए तो आप ये ही डालें इसमें। तो ये मैंने डाल दिया है। अब इसको हमने भूनना है 5 से 10 मिनट मीडियम लो गैस पर, जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मसाला हमारा भुन गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है, और इसके बाद हम इसमें 1 गिलास दूध डालेंगे। यहाँ पर मैंने बॉयल मिल्क लिया है, और इसको हमें धीरे से चलाते जाना है और गैस को मीडियम लो कर देना है। दूध डालने से ये रहता है कि एक तो बिल्कुल आपकी ग्रेवी जो है वो क्रीमी बन जाती है, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आता है इसका। इसके बाद इसमें मैंने 1 गिलास गर्म पानी ऐड किया और मिक्स करेंगे। उसके बाद इस ग्रेवी में हमने जो ये सोया स्टिक्स बनाए हैं ये डाल देना है, और इसको डालने के बाद हल्के हाथों से इस ग्रेवी में मिक्स करना है। ज़्यादा ज़ोर से कलछी ना चलाएं, अदरवाइज़ ये निकल सकती है स्क्यूअर्स में से। तो हल्के हाथों से हिलाते हुए हमें इसे ग्रेवी में मिक्स करना है। और इसके साथ ही हमने 1/2 कटोरी मटर बॉयल किए थे, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और वो मटर डालने के बाद हमें इसको 10 से 12 मिनट तक हल्के गैस पर, मीडियम लो गैस पर हमें इसको कुक करना है। तो 10-12 मिनट में ही ये अच्छे से जो सोया चाप है एब्जॉर्ब कर लेगी ग्रेवी को, और ग्रेवी हमारी थोड़ी थिक हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर हाथों से क्रश कर रही हूँ कसूरी मेथी, और वो इसमें ऐड कर रही हूँ, और 1/2 चम्मच के अराउंड गरम मसाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और 5 मिनट के लिए लिड कवर करके ऑयल ऊपर आने तक इसको और हमें कुक करना है। और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच फुल घर की जो फ्रेश मलाई होती है वो ऐड की है, उससे बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसमें। तो काठी कबाब हमारा बनके बिल्कुल तैयार है, और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसमें। आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो आज मैं इसे रुमाली रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मनपसंद बटर नान तंदूरी रोटी के साथ या रुमाली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, और इसको गार्निश करेंगे हम ऑनियन और नींबू के साथ। तो गाइज, एक बार ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपकी फैमिली बाहर का काठी कबाब खाना भूल जाएंगे इसको खाने के बाद। तो आई होप ये रेसिपी आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करेंगे, और अपने फीडबैक प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो आज के लिए बस इतना ही। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।